शहर में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम तेजो था और वहीं छोटी बहन का नाम जैस्मिन था। तेजो बहुत ही समझदार लड़की थी और अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम अभिराज था। वहीं जैस्मिन बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था। एक दिन अभिराज तेजो से कहता है, तेजो देख, मैं तेरे लिए सूट लेकर आया हूँ, तुझे कैसा लगा ये सूट? तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और वो अभिराज से कहती है, अभिराज ये सूट मैं लूंगी क्योंकि ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है। तभी अभिराज जैस्मिन से कहता है, नहीं जैस्मिन, तुझे कल ही तो सूट दिलाया था मैंने, ये तेजो का है, तेरा नहीं। तेजो जैस्मिन से कहती है, कोई नहीं जैस्मिन, अगर तुझे ये सूट पसंद आया है तो तू ले ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अभिराज तेजो के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। उस लड़के का नाम फतेह था। अभिराज तेजो फतेह की शादी तय कर देता है। जब ये बात जैस्मिन को पता चलती है तो वो अभिराज से कहती है, फतेह से शादी मैं करूंगी, तेजो नहीं। अभिराज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जैस्मिन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है जैस्मिन, मैंने तेरी गलतियों को बहुत नजरअंदाज किया है, लेकिन अब नहीं, समझी तू? जब तक तेजो और फतेह की शादी नहीं हो जाती तू यहाँ से बाहर नहीं आएगी। तेजो और फतेह की शादी हो जाती है। तेजो जैस्मिन से मिलने कमरे में आती है। जैस्मिन क्या हुआ, अब तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अब तो सब कुछ तेरा ही है यहाँ पर। ये सब सुनकर जैस्मिन रोने लगती है और तेजो को जाकर गले लगा लेती है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है। फिर अभिराज और जैस्मिन फतेह और तेजो को खुशी खुशी विदा करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।